बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव, साफ नियत नेक इरादे। बहरोड के चहुमुखी विकास के संकल्प का सपना भाई बलवान सिंह यादव है आपका अपना। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, होगा आम जन का सम्मान तभी तो बढ़ेगा राष्ट्र का मान। निवेदक संतोष यादव, प्रधान नीम राणा। लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलख जगाने का। जीपीएस स्कूल भगवाड़ी, एससी एसटी एनटी एससी एवं ओलंपियाड्स तथा कक्षा 11 के साथ फाउंडेशन, नीट जेईटी की स्पेशल तैयारी तो अब आपको मिलेगी। कोटा की स्पेशल फैकल्टी जीपीएस स्कूल में, आरआईएमसी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, एक्सेलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। अब आपके सितारे भी चमकेंगे जीपीएस के साथ, तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाए। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, प्रिंसिपल योगेश शर्मा, नारनो रोड, भगवाड़ी, बहरोड। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का इनाम हूं देशराज यादव। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। नेमराना पंचायत समिति प्रधान ने किया अमर वीर शहीदों के शिलालेखों का उद्घाटन एवं 10 लाख रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति सौंपी। बाबा भैया के तालाब से सिद्ध सेवा धाम तक सीसी टाइल निर्माण कार्य के लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृति ग्राम पंचायत सरपंच और सभी ग्रामवासियों को सौंपी। नेमराना पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत डुमरोली मानन गिगलाना में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमर शहीदों की याद में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत सरपंच सुनील कुमार डुमरोली, सुरेंद्र यादव सरपंच मानन, योगेश सिंह चौहान सरपंच गिगलाना के द्वारा की गई, जिसमें मुख्य अतिथि नेमराना पंचायत समिति प्रधान संतोष बलवान यादव एवं बलवान सिंह यादव पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा अलवर उत्तर रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नेमराना पंचायत समिति प्रधान संतोष बलवान यादव ने भारत के गौरव प्रतीक तिरंगे झंडे को सलामी दी। उसके बाद उपस्थित सभी लोगों के द्वारा अपनी मुट्ठी में मिट्टी को भरकर देश के प्रति शपथ ली और उसी मिट्टी को अमृत कलश में डालकर नेमराना पंचायत समिति में पहुंचाया जाएगा। इसके बाद प्रधान के द्वारा कार्यक्रम स्थल पर वृक्षारोपण भी किए गए। इसके बाद बलवान सिंह यादव ने बताया कि इस अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा देश के कोने कोने से कलशों में मिट्टी लेकर देश की राजधानी दिल्ली पहुँचाई जाएगी। यह यात्रा अपने साथ देश के विभिन्न हिस्सों से पौधे भी लेकर आएगी। कलशों में आने वाली मिट्टी और पौधों को मिलाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी। यह अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य प्रतीक बनेगी। बलवान सिंह यादव ने वीर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना बहादुरी से दुश्मनों को जवाब दिया और देश की सम्मान की रक्षा की, उसका अदम्य साहस और शहादत सभी के लिए प्रेरणादायक है। इस अवसर पर सरपंच सुनील कुमार, मनीषा ग्राम विकास अधिकारी श्री राम नित्यानंद, विजय सिंह पंच, थानेदार मुकेश लालमन, छोटेलाल रामदेव सहित अन्य लोग एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। याद है कि पिछले दिनों बसी के अंदर एक शहीद होके आया तो लोगों ने जयकारों से, जो उनके अंदर भाव भरे, माँ बाप रो रहे थे, लेकिन जब जनता जनार्दन जयकारे लगाने लगी तो उनकी भी हिम्मत बनने लगी। अब मेरा बेटा मरा नहीं, शहीद हुआ है। मेरा बेटा देश के लिए मरा है, देश के लिए शहीद हुआ है, देश के लिए जान दी है, देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। उनका भी हिम्मत और मन बना। ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कमाल कर दिखाया उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनकी कार्यशैली के 75वें आजादी के अमृत महोत्सव पे इतने सुंदर सुंदर कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपने सोचे कि हाँ, हर गांव की मट्टी कलश में जाएगी, ग्राम पंचायत पे, ग्राम पंचायत से इकट्ठी होके सबके हाथ लग के ये जाएगी पंचायत समिति में, और पंचायत समिति से जाएगी दिल्ली में, और दिल्ली में एकत्रित होकर कोई भव्य और बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित होगा। ऐसी प्रधानमंत्री जी ने की है। बहरोड विधानसभा के लोगों के मान सम्मान एवं चहुमुखी विकास के उद्देश्य से आपके बीच भाजपा युवा नेता मोहित यादव, संकल्प बहरोड के हित का, युवाओं की पसंद जन जन का प्रेमी, आपका एक फैसला बदल सकता है बहरोड का भविष्य। मंगलम रामबाग भैरोड रोड नीमराना की बीड़ा द्वारा अनुमोदित सबसे भव्य एवं सर्व सुविधा युक्त
विकसित आवासीय योजना। आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधा जैसे चौड़ी सड़कें 30, 40 एवं 60 फीट की, बड़े खूबसूरत पार्क, भूमिगत विद्युतीकरण, आवासीय क्लब हाउस जिनमें है स्विमिंग पूल, जिमनेजियम, इंडोर गेम्स इत्यादि। सभी प्रमुख बैंकों से लोन सुविधा के साथ आज ही संपर्क करें इंद्रजीत यादव दुगेड़ा वाले मनोज शर्मा, जहां आपके स्वतंत्र घर, प्लॉट एवं दुकान का सपना साकार होगा। मंगलम रामबाग में बैरोड विधानसभा के ग्राम पंचायत रामसिंहपुरा में नारेड़ा कला से हमीनपुर जाने वाली ग्रेवल सड़क पर नरेगा कार्य का निरीक्षण कांग्रेस नेता बस्तीराम यादव ने किया। इस सड़क पर करीब 40 मजदूर नरेगा में काम करते हुए नजर आए। वहीं नरेगा मेट रविंद्र कुमार से पूरी जानकारी ली, जिन्होंने बताया कि प्रति मजदूर 48 क्विंटल मिट्टी डलवाने का प्रावधान है। वहीं नरेगा कार्य सुबह प्रातः 9 बजे से 4 बजे तक रहता है। सभी कर्मियों ने बस्तीराम यादव को बताया कि नरेगा हमारे लिए जीवनदान का काम कर रहा है, हमारी रोजी रोटी नरेगा कार्य पर निर्भर है। इसके लिए उन्होंने सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सरपंच जसवंत सिंह यादव, पूर्व सरपंच शोताज सिंह यादव, पंचायत समिति सदस्य अमर सिंह यादव, डॉक्टर जयपाल सिंह यादव, पार्षद रोहितास मेघवाल, मनोज यादव, एडवोकेट विक्रम यादव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अब KPS ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरू, KPS साइंस क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक, KPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल LKG से 12वीं तक साइंस एंड कॉमर्स, KPS प्ले स्कूल LKG ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी, डायरेक्टर विशाल गोड, प्रिंसिपल श्वेता गोड, नियर SBI बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड, बहरोड। किसानों के लिए लेकर आए एक अनूठा उपहार पटवारी फुहारा एजेंसी सोडावास, जहां हर प्रकार के पाइप, नोजल, बैंड एवं खेती में सिंचाई के लिए पानी की बचत और अधिक पैदावार, मिनी फुहारे सेट 70% सब्सिडी पर उपलब्ध, वाजिब दाम, अन्नदाता का लाभ। अब आपकी फसल भी लहराएगी और किसान बनेगा समृद्ध। आज ही संपर्क करें प्रोप्राइटर प्रेम प्रकाश पटवारी नासरपुर वाले, किसान समृद्ध तो देश समृद्ध। बैरोड विधानसभा क्षेत्र के तलवाना में बाबा गंगादास जी महाराज के यहाँ प्रथम दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन नवयुक्त मंडल द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन भाजपा नेत्री डॉक्टर शानू राजकुमार यादव ने फीता काट कर किया। इस दौरान युवाओं ने डॉक्टर शानू यादव का फूलमाला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। साथ ही प्रतियोगिता में स्थानीय बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर भी हिस्सा लिया। वहीं युवाओं की भी दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिस दौरान स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय को आकर्षक इनाम देकर सम्मानित किया गया। श्रीमती नारायण देवी PG महिला महाविद्यालय कुंड रोड बहरोड, BA, BSc, MA, MSc शिक्षा के साथ साथ बेटियों का करवाते हैं सर्वांगीण विकास। मत्स्य विश्वविद्यालय से एक साथ 3 गोल्ड मेडल प्राप्त, कालीबाई भील योजना में स्कूटी प्राप्त। शिक्षा की मुहिम को घर घर तक पहुंचाने के लिए सन 2004 से श्रीमती नारायणी देवी महिला महाविद्यालय टाट क्षेत्र में संचालित है। मैं अभिभावकों को पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे यहाँ पर अनुशासित, सुरक्षित और संस्कारित माहौल में आपकी बेटियों को शिक्षा दी जाएगी। सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश यादव, सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहाँ हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज, संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव MDS। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताजतरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।